हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो है कि कल 16 मई को बहुत ही बड़ा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो उसके क्या उपाय हैं, क्या चीज़ से आपको सावधान रहना है, किन राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण अच्छा रहेगा, किन के लिए बुरा रहेगा, उन सारी बातों की जानकारी मैं आपको दूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मुझे भी सपोर्ट कीजिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स, कल 16 मई सोमवार का दिन है, तो कल यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगने वाला है। फ्रेंड्स, भारत में 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है। मैं समय बता दूँ कि 8:59 से सुबह 8:59 से सुबह 10:23 तक रहेगा। फ्रेंड्स, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा। भारत में चंद्र ग्रहण की दृश्यता शून्य रहेगी, इसलिए भारत में चंद्र ग्रहण नहीं लग रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सूतक काल का मान ये नहीं होगा, इसलिए हम लोग भारत में चंद्र ग्रहण नहीं मनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किस राशियों के लिए अच्छा रहेगा, किन के लिए थोड़ा सा बुरा साबित हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुंभ राशियों के लिए काफ़ी अच्छा है। काफ़ी संयोग बता रहा है कि बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को काफ़ी धन का लाभ होगा, नहीं तो किसी भी चीज़ का आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बता दूं मिथुन राशि वालों के लिए, उनका भी बहुत ही अच्छा दिन है, वो भी काफ़ी, उनको भी अच्छे आमदनी होंगे, कुछ वस्त्र मिलेंगे। इसी तरह से मैं आपको और भी बता दूं मेष राशि के लिए, उनका भी दिन बहुत शुभ रहेगा, वो अगर चाहते हैं तो कुछ भी नया चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद मैं बता दूं सिंह राशि, वृश्चिक राशि, तुला राशि, इन सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन माना गया है, तुला राशि के लिए खासकर माना गया है। इस दिन अगर तुला राशि वाले अच्छा से मन से पूजा करेंगे तो उन पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उनके लिए यह चंद्र ग्रहण काफ़ी शुभ है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि किन राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण थोड़ा सा अशुभ माना जा सकता है। घबराइएगा मत फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप पे कुछ विपत्ति आएगी या कुछ संकट आएंगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ बुरा प्रभाव उन पे थोड़ा सा पड़ सकता है, बस फ्रेंड्स इतना ही है। तो मैं बता दूं कि वो राशि कन्या राशि है फ्रेंड्स, इसीलिए कन्या राशि वाली थोड़ा सा सावधान हो जाइए, कहीं बाहर जाना, बाहर मत जाइएगा, बाहर दूर ट्रैवल मत कीजिएगा। घर के आसपास जाने के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा ट्रैवल से बचे आप, कहीं भी गाड़ी घोड़ा से ना जाएं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के दौरान अपना खान पान, अपना रूटीन को वैसा का वैसा ही रखें, क्योंकि उनके गर्भ में एक नन्हा सा शिशु पल रहा है, इसलिए वह इस बात का ध्यान दे कि वह कहीं बाहर ना जाए, घर में ही रहे, कोई कार्य ना करे और अपना खान पान कंटिन्यू करके रखें। जैसा कि फ्रेंड्स, सब लोग बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है, लेकिन चंद्र ग्रहण लगता क्यों है, मैं इसकी भी जानकारी आपको देती हूँ। फ्रेंड्स, जब सूर्य और चंद्र के बीच पृथ्वी आ जाता है फ्रेंड्स, तब इस चंद्र ग्रहण लगता है। और पूर्ण आंतरिक चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, कि जब सूर्य और चंद्र के मध्य बिल्कुल बीचों बीच, जिससे कि पृथ्वी का आधा भाग सूर्य को ढक ले और आधा भाग चंद्र को ढक ले, तब होता है पूर्ण आंतरिक चंद्र ग्रहण, जो कि काफी भयंकर माना जाता है, काफी बुरा माना जाता है। फ्रेंड्स, तो यही होता है चंद्र ग्रहण लगने का और सूर्य ग्रहण लगने का। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये साल में दो बार चंद्र ग्रहण लगने वाला है, एक बार 16 मई को लगेगा आपका और एक बार लगेगा 8 नवंबर को, इसीलिए आप सावधान रहिए फ्रेंड्स, सतर्क रहिए, घर में रहिए, अच्छे से रहिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स के चंद्र ग्रहण के दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं या नहीं। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बोला कि 8:59 से लेके 10:23 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, इस बीच में आप कोशिश कीजिए कि आप दूसरा कार्य घर का कीजिए, जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा नहा वहा के आप पूजा पाठ कीजिएगा, काफी शुभ माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। मैंने जिन जिन नामों लिया है कि किन के लिए कौन सा शुभ है, किन राशियों के लिए अशुभ है, उन सभी से एक विनती है
कि आप सब अपना अपना कार्य करते रहें, ऐसा कोई नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। कन्या राशि वालों, आपका भी दिन उतना खराब नहीं जाएगा, शुभ ही रहेगा और राशियों के लिए काफी अच्छा रहेगा चंद्र ग्रहण। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि चंद्र ग्रहण के दिन चंद्र भगवान जी से कुछ दुष्य प्रभाव पड़ता है, कुछ उनसे बुरा किरण निकलती है चंद्र ग्रहण से, जो मनुष्य के ऊपर पड़ती है तो किसी के लिए अशुभ माना जाता है, किसी के लिए शुभ माना जाता है। कुछ पशु पक्षियों के लिए भी शुभ है अशुभ है, जिनके ऊपर चंद्र ग्रहण की किरण पड़ती है किन्हीं के लिए अच्छे होते हैं, किन्हीं के लिए बुरे रहते हैं। इसलिए चंद्र ग्रहण को कहा जाता है कि यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक चंद्र ग्रहण होता है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि चंद्र ग्रहण होने के बाद साल में 4 ग्रहण लगने वाले हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं। इसीलिए आप सतर्क रहें, अच्छे से रहें, घर में रहें, सावधान रहें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही एक वीडियो लेके आई थी मैं आपके पास, मैं आपको बताने के लिए कौन सा ग्रहण कब लग रहा है, चंद्र ग्रहण में क्या खास है क्या खास नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, जो भी कोई मेरा वीडियो देखते हैं उनको मेरी तरफ से बहुत 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 दिल से धन्यवाद। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं और भी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आपसे आशा करूँगी, अनुरोध करूँगी आप मेरे सारे वीडियो भी देखिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर से एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत 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 थैंक यू।